ट्रिक्सी, तुम राइट में जाओ। प्रॉन्टो, कॉर्ड, तुम मेरे साथ आओ। मेरे मेरे लिए रुको जी। अब तुम फंस चुके हो, हार मान लो। पकड़ो उसे। पहाड़ जैसे खड़े की वो, थोड़ा हिलो ना। प्रॉन्टो, तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो? वैसे ये जगह साफ सुथरी नहीं है जी, लेकिन यहाँ का सूप बहुत ही टेस्टी है। और एक बात भूल गया, अंदर गए तो बाहर नहीं आ सकते। यही तो मैं सुनना चाहता था। सब लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाकर उसे बाहर आने पर मजबूर करता हूँ। हो सकता है कि वो सूप पी रहे हो ना। भागो भागो भागो, भागो, भागो। कोई प्लान है इलाय? वो ही सोच रहा हूँ। भागो जी। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अरे ये भाई बाप बतले नहीं हो सकते थे क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? अब शांति हुई। देखो भाई बाप मुझसे मुकाबला करेंगे तो यही चंजाम होगा। शुक्रिया। कौन हो तुम? मेरा नाम ट्विस्ट है, मैं हूँ इलाय शेन। वो तुम्हारे ऊपर है इलाय। ओह, एक स्लग से दो शिकार, अच्छा है। और मुझे पता है तुम कौन हो। एक स्लग से तीन शिकार। कौन गिन रहा है यहाँ पर? वो कहाँ चले गए? यही मौका है, हमला करो। वो है कौन? ब्लैक का खास है, इसी गुफा में रहता है। बहुत खतरनाक है ये, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। संभल कर, इसका कोई अंत नहीं है। निकलने का वही एक रास्ता था। कोई दूसरा आइडिया है? हाँ, उसे कंफ्यूज करना होगा लोकी। हे! लगता है उसका अंत है। क्या ये एक थगलेट स्लग है? हाँ, इनके बारे में सुना है पर कभी देखा नहीं था। हाँ, ये मेरा बेस्ट स्लग है, सही कहा ना लोकी? मुझे तुम्हारे स्लग का नाम पसंद आया। जहाँ तक मेरा मानना है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मतलब मैं पहले भी ब्लैक के आदमियों के साथ निपट चुका हूँ।
वो लोग वापस आएंगे। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ छिप सकते हैं, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। क्या तुम्हारे साथ आना जरूरी है? बिल्कुल है, अब चलो मेरे साथ आओ। माफ करना, घर साफ नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ क्योंकि मेरी हवेली का रिनोवेशन हो रहा है। ये जगह तो कमाल की है, यहाँ से कमाल का नजारा दिखता है, हाई ग्राउंड एडवांटेज भी है। लगता है तुमने जरूर इस घर में जाल भी बिछाए होंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो? तुम नहीं करते तो तुम जिसके पीछे भाग रहे थे उसके बारे में कुछ बताओगे? वो ब्लैक का खास आदमी था, हमें एक मिशन पूरा करने के लिए उसकी जरूरत थी। इलाय, हम इससे अभी अभी मिले। हाँ, और इसने अपनी जान दाव पर लगा दी हम सबकी जान बचाने के लिए, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर अगर ब्लैक को पता चल गया? मैं जानता हूँ तुमसे अभी अभी मिला हूँ, पर तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो? हम गूल के गोदाम का नक्शा बना रहे हैं, ब्लैक ने पूरे स्लगतेरा में फैला कर रखे हैं। हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। हमने सोचा अगर हम कैद किए हुए सारे गूल्स को आजाद कर देंगे तो मेरा हीलर स्लग डॉग उन्हें ठीक कर देगा, इस तरह हम ब्लैक के सारे अड्डों को तबाह कर देंगे। प्रॉब्लम बस यही है कि हमें अब तक एक भी नहीं मिला है। हमने नक्शा तो बना लिया है पर जगह पता नहीं चली है। हाँ, सोचा था उस खास आदमी से पता लगा लेंगे पर कामयाब नहीं हो पाए। फिर तो अच्छा है कि तुम मुझे मिले, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। ओह हाँ, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यहाँ ज्यादा पहरेदार भी नहीं है, हम जल्द से जल्द अंदर जाकर अपना काम पूरा करके आएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है हम सब। तो क्या कहते हो, डॉक्टर ब्लैक को परेशान करने के लिए तैयार हो? मजा आएगा, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, हम प्लान बनाकर कल फिर आएंगे, ब्लैक को पता भी नहीं चलेगा। चलो जी घर पे आए। मुझे कहना पड़ेगा, वाकई तुम्हारा घर मेरे घर से काफी अच्छा है। हाँ, मेरे पापा ने इस हाइड आउट को खुद बनाया था। इससे याद आया, खाना तैयार है। ये बिल्कुल मेरी दादी माँ की तरह बनाया है मैंने, इससे शांति मिलेगी। टूट पड़ो जी। तुम भूल गए प्रॉन्टो, मेहमान पहले खाते हैं। प्रॉन्टो को सब पता है ट्रिक्सी, अगर बाहर निकलोगी तब पता चलेगा हर इंसान को खाना नसीब नहीं होता। बिल्कुल सही, पहले खाने के बारे में मत सोचो, खाना मिला ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। दुश्मिया, इसे खा के देखिए। वाह, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। तुम रोज यही खाते हो? मेरे पापा हमेशा कहते थे किसी बड़े मिशन पर जाने से पहले शेन गैंग हमेशा बढ़िया खाना खाते, और अब इस परंपरा को निभाने का वक्त आ गया है। ऐसा मैं भी पहली बार खा रहा हूँ। ये क्या किया जी? हाँ, तुम मेरे बनाए हाथों से इस लजीज खाने को, इन स्लग्स को खिला रहे हो। एक हैप्पी स्लग यानी एक हेल्दी स्लग, और एक हेल्दी स्लग लड़ाई जीतता है। मुझे वारा लोकी, लगता है तुम इन स्लग्स को मेरे जितना ही प्यार करते हो। मुझे नफरत होती है ब्लैक से जब इन्हें घूल ट्विस्ट करता है। हम उसे बदलेंगे। बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम्हारा नाम ट्विस्ट कैसे पड़ा? मैं दिखा सकता हूँ, वैसे तुम मुझसे साइज में बड़े हो, पर क्या फर्क पड़ता है, इससे तुम मुझे हरा नहीं सकते। लगता है तुमने केव ट्रोल की रेसलिंग मूव चैनल लॉक के बारे में नहीं सुना है। आ जाओ। क्या? कैसे? बढ़िया मूव थी ट्विस्ट। ये तुम्हें खुश करने के लिए काफी होंगे, पर शायद तुम नहीं जानते कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। तुम कोशिश करना चाहोगे? आज उपास से कल करेंगे। क्या तुम्हारा परिवार है ट्विस्ट? ये एक लंबी कहानी है, और इसके आखिर में मुझे पता नहीं उन्हें क्या हुआ। लोकी और बाकी स्लग्स ही अब मेरा परिवार है। हम सब ने किसी न किसी को खोया है ट्विस्ट, और यही हमें एक परिवार बनाता है। तुम उसी वक्त आकर हमारे साथ रह सकते हो। और वक्त से याद आया, मिशन का वक्त हो गया है। चेकिंग सही वक्त पर है, ये बहुत आसान होने वाला है। तो तैयार हो लोकी?
ये सच में कमाल हो गया। गोल! एक बाहर आ गया होगा, पकड़ो उसे। हमें और गार्ड्स को बुलाना चाहिए। कितने डरपोक हो तुम, नौकरी पर तुम्हें किसने रखा? हालात काबू में नहीं है, उसे छोड़ना मत। मैंने कहा था उसे जाने मत देना। सॉरी, मैं डर गया था। वीडियो हैकर लगा दिया है, लोकी मेरी तरह ही शातिर है। अब जो वो देख सकते हैं वो हम भी देख सकते हैं। बढ़िया। अच्छा है कि ब्लैक के सारे अड्डे एक ही जैसे बने हैं, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है पर पता नहीं क्या। मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, तुम्हें क्या लगता है इलाय? मुझे भी सब ठीक लग रहा है, पर सावधान रहना दोस्तों, कॉर्ड कभी गलत नहीं होता। हाँ, शायद शायद कुछ भी ना हो। लोकी पहुंच गया है, चलो चले। स्लग रनर टू बनहेड, हम तैयार हैं। बनहेड, मुझे तुम ईगल आई बुला सकते थे। दरवाजे पर कोई नहीं है पर दरवाजे के अंदर चार गार्ड्स हैं। जाओ। क्या तुमने कल रात को स्लग बॉल गेम देखा? मुझे मास्टर की मिल गई है, अब खेल शुरू। बहुत अच्छे, मैं मेकास को तैयार रखती हूँ। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा ये कपड़े तुम्हें फिट कैसे हुए। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। यही है वो, ठीक वैसा ही जैसे नक्शे में था। संभाल कर, तुम्हारी दाईं तरफ ठीक से देखना। बहुत बढ़िया लोकी, तुम असली रूप में आ सकते हो। मुझे अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से बाहर निकले। काम लगभग पूरा हो गया है, जाने की तैयारी करो। आखिरकार ये कपड़े मुझे बहुत छुप रहे थे ना जी, और इसकी बदबू बिल्कुल ट्रोल के गुफा जैसी है। मैं सुन रहा हूँ। तू इधर ही छो गया। वो जरूर ट्रिक्सी होगी हमारे मेकास के साथ, बिल्कुल सही वक्त पर। ओ, क्या हुआ? वहाँ पर ट्रिक्सी नहीं है, वो है डियाब्लोस नाचो। नाचो, तुमने तो कहा था कि वो यहाँ से मीलों दूर है। मेरे जासूसों ने मुझे यही कहा था, जरूर इस प्लान में कुछ गड़बड़ है। हम यहाँ से लड़े बगैर जाएंगे, लेकिन क्यों एलाय? चाहो तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढ सकता हूँ जी। तुमने नक्शा देखा है, जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब द्वंद्व युद्ध? बिल्कुल सही कहा, मेरे इशारे का इंतजार करना, फिर जमकर हमला करना और बिना घायल हुए इन गुल्स को सुरक्षित यहाँ से ले जाना। ठीक है ट्रिक्सी, हम हमला कर रहे हैं। उन्हें खत्म कर दो। ये कवर फायर दो जी। अरे चलो भैया, किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छा निशाना था ट्विस्ट, तुम्हारा भी। Ha ha ha!
हमें जितना बताया गया था यहाँ उससे कहीं ज्यादा गार्ड्स हैं। एक स्लग से दो शिकार, पर गेम कौन रहा है? कहाँ हो तुम? मेरा बेल्ट, अब सब तुम पर है बैंगो। अब मजा आएगा। कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम्हारे स्लग्स खत्म हो गए। क्या बिना हथियार के लड़ सकते हो ट्विस्ट? हाँ, इस जोकर को ऐसा सबक सिखाएंगे जो याद रखेगा। चलो देखते हैं कौन जिंदा बचता है। जाओ इलाई। ये क्या? पिंजरा टूट गया है। अब हम ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। हम और नहीं लड़ सकते। अगर एक भी निशाना इस पिंजरे पर लगा तो ये सारे स्लग्स यहाँ आजाद घूमने लगेंगे। मुझे खुफिया रास्ता पता है जी, मैं यही काम करता हूँ ना। मैं ही दिखाता हूँ यहाँ से निकलने का रास्ता। देखा ना तूने, हम लोग सुरक्षित है और सारे घूम था। मेरी तारीफ बाद में कर लेना। हम सारे गुल्स को एक साथ पकड़ नहीं सकते। मेरे पास इसका इलाज है लोकी, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। क्या बात है लोकी। ठीक है डॉक, अब तुम्हारी बारी है। शायद इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बढ़िया काम किया डॉक, अब आराम कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। ट्विस्ट, तुमने और लोकी ने तो आज कमाल ही कर दिया। स्लग्स को मदद चाहिए थी और मैंने की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है। तुम हमारी टीम में आ जाओ, आज तुमने दिखा दिया तुम शेन गैंग में हो, हम एक परिवार है। मतलब हम कल की तरह डिनर साथ में करेंगे तो मुझे मंजूर है। सच कहो तो थैंक्स, मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मेरे परिवार में कौन कौन थे सिवाय मेरे स्लग्स के। हमें तुम्हें अपनी टीम में पाकर खुशी होगी, और वैसे भी शेन गैंग को जितनी भी मदद मिले उतना ही अच्छा है। तुमने इस बार क्या प्लान किया है? मुझे लगता है कि इन गूल्स के अड्डों को उड़ाकर डॉक्टर ब्लैक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके पास एक भी गूल ना बचे।
हमें सबसे पहले उस चीज को ठिकाने लगाना होगा जिससे गूल बनते हैं। तुमने काले पानी के बारे में कुछ सुना है ट्विस्ट? मैंने काफी कुछ सुना है। अगर तुम उसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मुझे अपने दोस्त से इस बारे में बात करनी होगी। जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, चलो चले। काश मैं तुम्हें वहाँ ले जा पाता, लेकिन वो अजनबियों पे विश्वास नहीं करता। मुझे अकेले ही जाना होगा। समझ गया, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। कैसे हुई यहाँ खाली हाथ लौटने की? आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत से कीमती गोल्स खो दिए। मैंने भी। और तुम मुझसे यहाँ निवेदन करने आए हो? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? क्योंकि वो मुझ पर यकीन करते हैं। हाँ, पर सवाल ये है कि क्या मैं करता हूँ?